हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में हम भगवत गीता का भूमिका है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम ज्ञान के निरंतर ज्ञान अंजना प्रयास अक्षर गुरु संवेना सतले श्री कृपे नमः। श्री चैतन्य मनोभूतं स्थापित कर्मेण भूतले स्वयं भूतगामी। रमा एकादशी की हरी हरी बोल। सो इट इज वेरी ऑस्पिशियस डे एकादशी और आज हम भगवत गीता जो है वो शुरू कर रहे हैं ग्रुप में। सो यू ऑल आर वेलकम इन द ग्रुप। सबसे पहले हम जो भगवत गीता है उसकी भूमिका को शाप में देखेंगे। तो श्री प्रभुपाद की जो भगवत गीता है, What is special about it? श्री प्रभुपाद की भगवत गीता यथा रूप है as it is। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। डिस्टर्बेंस या फिर माता जी आप रूम का दरवाजा बंद कर दीजिए या फिर मतलब थोड़ा आइसोलेट। okay. मैं तो आइसोलेट रूम में बैठी हूँ जी। माता जी वो बहुत पीछे से डिस्टर्ब, जैसे बर्तन गिर रहे तो आवाज आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, बर्तनों की आवाज आ रही है जी माता जी। ओके 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 ओके। साउंड साउंड थोड़ा मैं कम करने की कोशिश करती हूँ बर्तन वगैरह के। ओके, थोड़ा सा क्लोज करके तो उसको चेक कर लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके। यस माता जी। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि श्री प्रभुपाद की भगवत गीता में और बाकी लोगों की भगवत गीता में क्या अंतर है। तो श्री प्रभुपाद की जो भगवत गीता है वो यथारूप है। यथारूप यानी एज इट इज। व्हाट इज द मीनिंग बाय यथारूप एंड एज इट इज। श्री प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी है वो जो हमारी प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा है उन्होंने जैसा प्रेजेंट किया वैसा एज इट इज प्रेजेंट किया। तो जैसे कि ये जो भगवत गीता है श्री बलदेव विद्याभूषण जो है हमारे वैष्णव आचार्य हैं उनकी जो टीका है उनके पर ही बेस्ड है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण दो टीकाओं का श्री प्रभुपाद ने मेंशन किया है। और भगवत गीता को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपनी टीकाएं लिखी है इन्हीं आचार्यों के बेस्ड कर। तो इन शिक्षाओं को एज इट इज बिना मेंटल स्पेकुलेशन के श्री प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया। तो जब हम एज इट इज नॉलेज प्रेजेंट करते हैं तो प्रमाणिकता बनी रहती है और जीव और भगवान का जो ज्ञान है वो एस्टेब्लिश होता है बिना मिक्सिंग के। तो जीव जो है उसकी जो संबंध है वो भगवान से एस्टेब्लिश हो जाता है और हर जीव में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसीलिए जब श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता को मार्केट में लेके आए, उसकी पब्लिसिटी की, इंग्लिश में भगवत गीता एज इट इज निकाला, तो करोड़ों लोग दुनिया से भक्त बने। करोड़ों लोग, आज करोड़ों लोग दुनिया में भक्त हैं श्री प्रभुपाद के इन बुक्स को पढ़कर। ऐसा क्यों हुआ? यथारूप नॉलेज के कारण। बड़े बड़े लोगों ने जैसे ही भगवत गीता से संस्कृत उपलब्ध है वो सब प्रमाणिक नहीं है। लोगों ने अपना मेंटल स्पेकुलेशन उसमें रखा है जिसके कारण भगवत गीता में भगवान क्या कहना चाहते हैं ये बात बहुत स्पष्ट नहीं आती। लोगों ने अपना व्यू प्रेजेंट किया है, इस कारण से उनकी प्रमाणिकता जो है वो खत्म हो जाती है और लोग भक्त नहीं बन पाए। लेकिन श्री प्रभुपाद ने कहीं पर भी अपना मेंटल स्पेकुलेशन नहीं रखा। प्रभुपाद ने एज इट इज नॉलेज हमें दिया जिसके कारण हजारों भक्त हजारों जीव कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में आए और उनका उद्धार हुआ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही श्री प्रभुपाद भूमिका का थर्ड पे
3 नंबर पेज है, जस्ट मंगलाचरण के बाद जी माता जी। तो वहाँ का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैंने इंग्लिश की भगवत गीता विदेशों में प्रेस के द्वारा छपवा के मार्केट में लेके आए, तो कई लोगों ने प्रभुपाद को बहुत अप्रिशिएट किया। तो प्रभुपाद एक जगह मेंशन करते हैं कि अमेरिका में लेके आए और उन्होंने बहुत तारीफ की कि ये जो संस्क्रिप्शन, जो ये आपने जो ट्रांसलेशन दिया है भगवत गीता का, इससे मेरे हृदय में परिवर्तन आया, इन विचारों से मेरे हृदय में परिवर्तन आया। तो इस तरह से प्रभुपाद को बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया। और इसका मैंने बताया था कि मुख्य वजह है कि प्रभुपाद ने बिना मिक्सिंग के ज्ञान दिया था यथारूप। तो भगवत गीता का मर्म क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता? तो जैसे कि श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता का मर्म किसी को मेंटल स्पेकुलेशन करके नहीं बताना चाहिए कि ये है इसका, ये जिस्ट है या जो सार है ये है, ऐसा नहीं बताना चाहिए। भगवत गीता का जिस्ट जो है या भगवत गीता का जो मर्म है वो भगवत गीता नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो अगर बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, डॉक्टर के पास जाकर उसको इलाज करना चाहिए। और उसको ऐसा नहीं कि अगर कोई इसको बीमारी है तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करेगा और फ्रेंड कोई दवा बताएगा वो खा लेगा, ऐसा होता है क्या माता जी? ऐसा नहीं होता। हाँ ऐसा नहीं होता है। तो प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि हम जब एक छोटे से बीमारी में मेडिसिन जो है वो प्रमाणिक डॉक्टर के अनुसार खाते हैं, तो भगवत गीता का ज्ञान हम किसी से भी कैसे ले सकते हैं? तो भगवत गीता का जो नॉलेज है वो परंपरा में होना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे मेंशन किया है कि भगवान शब्द किसी भी अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति या देवता के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे भगवान शब्द निश्चित रूप से कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। तो भगवत गीता में अगर भगवान शब्द बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, इसका क्या मतलब है? कौन बोल रहा है भगवत गीता? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भगवान अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। तो जब भगवान उवाच बोला जा रहा है तो किसको बोला जाएगा? कृष्ण को। भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो ये बहुत से लोगों को भ्रम है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में चार प्रकार के संप्रदाय है, पूरे विश्व में चार संप्रदाय हैं, उनके थ्रू अगर हम नॉलेज लेते हैं या गुरु बनाते हैं तो हमारी नॉलेज प्रमाणिक होगी, ऑथराइज होगी और हम सही वे में प्रगति करेंगे। कौन कौन सी चार परंपराएं हैं? पहला है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें कि इस्कॉन आता है। हम लोग ब्रह्मा से, भगवान ने ब्रह्मा को नॉलेज दिया, ब्रह्मा से नारद को, ऐसे करके नारद से व्यास देव को, करते करते ये नॉलेज चैतन्य महाप्रभु तक आया, चैतन्य महाप्रभु से देव गोस्वामी सनातन गोस्वामी तक आया, फिर इसके बाद प्रभुपाद के पास आया और प्रभुपाद के द्वारा डायरेक्ट उसको दिया गया। तो पहला परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, भगवान ने रुद्र संप्रदाय में भी नॉलेज दिया है। उसके बाद तीसरी संप्रदाय आती है लक्ष्मी संप्रदाय, श्री संप्रदाय जिसको कहते हैं, और रामानुजाचार्य वगैरह इसमें आते हैं। और उसके बाद चौथी संप्रदाय है वो चार कुमार की संप्रदाय, जिसमें भगवान ने नॉलेज किया है। तो ये चार संप्रदाय से यदि हम नॉलेज लेते हैं तो हमारा नॉलेज परफेक्ट होगा। तो भगवद गीता को ये चारों संप्रदाय एक साथ घोषणा करते हैं कि अगर कोई भगवान है तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान है, बाकी सब देवी देवता है जो भगवान के अलग अलग प्रशासनिक डिपार्टमेंट को उनकी अध्यक्षता में देखते हैं। ठीक है, नाउ क्लियर? यस माता जी। इन ब्रह्म संहिता इट इज सेड कि ईश्वरः परमं कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर्योगिनः सर्व कारण कारणम। और श्रीमद् भागवतम जो कि अमल पुराण है उसमें भी बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांद कला पुष्प कृष्णस्तु भगवान। भगवान ने कई तरह से अवतार लिए हैं अंश कला के रूप में, लेकिन भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है।
तो भगवद गीता में भी श्री प्रभुपाद ने आते देखिए सेकंड चैप्टर में बताते हैं 4.163 तक भगवान ने बताया है कि भगवद गीता का ज्ञान किस तरह परंपरा से आए। भगवान ने पहले यह ज्ञान दिया और परंपरा नष्ट हो गई तो भगवान ने उसको रीस्टैब्लिश किया। सर्वप्रथम सूर्य को दिया, सूर्य देवता को दिया। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो कितना ज्यादा बड़ा चल रहा है ना। हम लोग को तो सूर्य एक प्लैनेट के रूप में दिखाई देता है ना। जितने हमारे साइंटिस्ट हैं वो लोग क्या सोचते हैं, एक प्लैनेट है, कोई क्रिएशन या कुछ के बारे में जानकारी नहीं। लेकिन वैदिक सभ्यता बता दी वहां पे क्रिएशन है, राजा है। तो हमारे जो पूरे श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसमें दो वंशावली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो एक है चंद्रवंशी और दूसरा है सूर्यवंशी। तो अगर हमारे जो रामचंद्र जी है वो सूर्यवंशी, हमारे कृष्ण जो है वो चंद्रवंशी। वेरी राइट, वेरी राइट। आस्था तो उनसे वो बिलोंग करते हैं। तो यदि वे इंसान नहीं होंगे तो परंपरा कैसे चलेगी, है ना। तो सूर्य एक देवता है जिनसे परंपरा चली, व्यक्ति है, एक व्यक्ति के रूप में थे। तो भगवान ने पहला ज्ञान सूर्य देव को दिया, फिर सूर्य देव ने से मनु को दिया, स्वयंभू मनु को दिया। स्वयंभू मनु जो थे वो इस पृथ्वी के फर्स्ट व्यक्ति थे, राजा थे। उन्होंने फिर मनुओं को ये राज्य ज्ञान प्रदान किया, उन मनुओं ने फिर आगे परंपरा में ज्ञान दिया, जिसके कारण ये ज्ञान जो है पृथ्वी पर आया। ठीक है ना, एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है कैसे ज्ञान है। हमें समझना होगा कि ये ज्ञान भगवान आज से द्वापर युग में जब आए तब उन्होंने ये ज्ञान दिया, ऐसा नहीं। जब से सृष्टि है, जब से दुनिया है, तब से ज्ञान है। लेकिन क्या होता है, काल परंपरा में चीजें नष्ट हो जाती हैं या मिसअंडरस्टूड हो जाती हैं। तो भगवान जो है उसको री एस्टैब्लिश करने के लिए इंकार्नेशन लेते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। तो यहाँ से देखा जा रहा है, अब थर्ड फोर्थ पेज फर्स्ट पैराग्राफ कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्जुन जो है परम रहस्य इसलिए इनको दिया गया, भगवान ने इतने लोगों में महाभारत के थे अर्जुन को क्यों चुना कि उसके पास दो मुख्य पात्रता थी कि एक तो वो भगवान का मित्र था और दूसरा विनम्र था, है ना। तो हमारे लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम चैलेंजिंग वे में भगवान को अगर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि लोग आजकल बोलते हैं सीइंग इन बिलीविंग, यू कैन शो मी गॉड देन आई कैन बिलीव इट, हाउ कैन वी इन कंटेमिनेटेड स्टेट यू कैन सी द लॉर्ड, यू हैव टू बी बिकम प्योरिफाइड। एक नॉर्मल प्रधानमंत्री को हम नहीं मिल सकते, मिल सकते हो क्या आशा? अगर एक प्रधानमंत्री से मिलना हो इस प्लैनेट में ही रहता है आप जानते हैं, लेकिन आप उसको मिल नहीं सकते जब तक आपके पास प्रॉपर अप्रोच ना। तो आप ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण के साथ ऐसे ही कैसे मिल सकते हैं, है ना। हम एक से कंटेमिनेटेड स्टेट में है, हमें प्योरिफाई होना पड़ेगा फिर हम मिल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि अर्जुन के अंदर ये दो योग्यता थी, एक तो मित्र था, दूसरा बहुत ही ज्यादा विनम्र था। तो विनम्र व्यक्ति जो है वो भगवान की गीता को समझने के लिए या उपदेशों को लेने के लिए कैपेबल कैंडिडेट। तो बताया जा रहा है कि भगवान के साथ संबंध जो है कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जैसे हम भगवान के साथ रस होते हैं, कई रस होते हैं जिनमें हम भगवान के साथ अपना संबंध एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पहला है निष्क्रिय अवस्था, है ना। तो इसमें इसमें जो व्यक्ति होता है वो शांत रस में भगवान के साथ रहता है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करता, शांत रस में रहता है, जैसे भगवान की बांसुरी है, है ना, शांत रस। उसके बाद सक्रिय अवस्था आती है भक्त के रूप में, दास के रूप में व्यक्ति जो है दास के रस में भगवान की सेवा करता है, भगवान को मालिक मान लेता है, भगवान आप सब कुछ करने वाले हैं और अपने आप को दास मानता है, भगवान की सेवा करता है, इसको कहते हैं सक्रिय अवस्था। तीसरे रस जो है वो भगवान के सखा रूप है, भगवान को फ्रेंड रूप में हम मान लेते हैं, तो उस रूप में हम भगवान के साथ रिलेशन रख सकते हैं। फिर चौथा आता है वात्सल्य रस, जिसमें कि हम भगवान को पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना, और माता पिता बनते हैं। और जो टॉप मोस्ट होता है वो होता है माधुरी रस, यानी लव, लव के साथ रखना, भगवान को पति या प्रेमी के रूप में भगवान के साथ संबंध रखना।
तो मुख के पांच रस है और बाकी भी रस होते हैं, जब इन रस को ये मुख्य पांच रस नहीं होते तब बाकी रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये पांच रसों में भगवान के साथ रिलेशन रखा जाता है, ठीक है ना। कौन कौन सा? शांत रस, दास्य रस, अलंकार रस, वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस। तो हम कुछ भी भगवान को किसी भी रूप में भगवान को एक्सेप्ट कर सकते। यहाँ अर्जुन ने भगवान को कौन से रस में एक्सेप्ट किया? सखा। Yes, very right. सखा के बाद। लेकिन श्री कृपाल जस्ट समझाते हैं भगवान के साथ कोई भी रिलेशन हो, शांत दास्य हो, वात्सल्य हो, सखा हो, कोई भी रिलेशन हो, वो मेटीरियल वर्ल्ड के रिलेशन जैसा नहीं होता है। जैसे मेटीरियल में फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे ही हम सोच भगवान आते हैं इस संसार में, उसी तरह लीला करते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं कैसी होती है? भगवान उस तरह से रिलेशन नहीं रखते जिस तरह से हम सांसारिक लोग रखते हैं। तो जो अर्जुन है और कृष्ण का जो संबंध है उसको नॉर्मल फ्रेंड के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो खाली एक ही रस में नहीं, किसी भी रस में भगवान का जो जीव के साथ रिएक्शन होता है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है तो उन्होंने जीव को भी स्वतंत्रता दी कि जिस फॉर्म में वो चाह, जिस रस में भगवान के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो श्री कृपा समझाते हैं कि अभी हम जब कंटामिनेटेड स्टेट में रहते हैं, हमें ज्यादा पता नहीं है अपने स्वरूप के बारे में, तो हमें दास्य रस में भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। भगवान को अपना मालिक मानना चाहिए और अपने आप को दास दास अनुदास परंपरा में रख के भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस तरह से जब हम करते रहेंगे, प्यूरिफाई होंगे, धीरे धीरे हमें अपना स्वरूप भी पता चल जाएगा। श्री कृपा कहते हैं भगवद गीता अगर किसी ने पढ़ी है तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, है ना। जब भगवद गीता हमने पढ़ी तो उसको कंक्लूजन क्या होना चाहिए? श्री कृपा कहते हैं 10.12 और 12 से लेकर 14 श्लोका तक कि अर्जुन ने जैसे स्वीकार किया कि आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है और भगवान है, आप ही शाश्वत है, अजन्मा है और महान है, तो इस रूप में भगवान को एक्सेप्ट करना है ना, कि आप ही सब कुछ और इसलिए मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ। तो कबाव से लोग ये सोच सकते हैं भाई अर्जुन तो भगवान का फ्रेंड था इसलिए हो सकता है उसने चाटुकारिता की हो, अप्रिशिएशन बटरिंग करने में लगा दिया हो। तो यहाँ पे अर्जुन ने ऐसे मूर्खों के लिए लिखा है, बताया भी है भगवद गीता में कि केवल मैं ही ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ही परमेश्वर है, भगवान है, परम धाम है, परम लक्ष्य है, अजन्मा है, शाश्वत है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसा केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि संप्रदाय के जितने भी आचार्य हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी लर्नेड लोग हैं, उन सब ये बात कहते हैं। उनमें कौन है? नारद है, असित है, केवल है, व्यास देव है, इन सब ने इस बात की पुष्टि की है कि हे कृष्ण आप ही भगवान है, परम धाम है, परम सत्य है, वो परम पवित्र है। दुनिया में बहुत सी चीज पवित्र है लेकिन भगवान परम पवित्र है। इस तरह वही दिव्य है, आदि पुरुष है, उनका कोई आदि नहीं होता, भगवान से सारी चीजें होती है लेकिन भगवान आदि पुरुष है। तो ये इस रूप में हमें भगवान को स्वीकार करना चाहिए। तो फिर श्री कृपा कहते कोई सोच सकता है कि कृष्ण अर्जुन के बीच में ऐसी चाटुकारिता होती है ना, तो उसने एक लिस्ट प्रेजेंट कर दिया कि जिसमें भी मेन मेन लोग थे वो होना चाहिए। फिर उसका श्री कृपा कहते भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए और कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान कृष्ण के बराबर हो सकता है या वो कभी भगवान बन सकता है। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। भगवत गीता के 15वें अध्याय भगवान ने बताया ममे वांशो जीव भूत जीव भूत सनातन, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव सनातन जीव रहता है, भगवान सनातन भगवान। कोई भी तपस्या करके या कोई व्रत करके या सिद्धि प्राप्त करके भला भगवान के बराबर भी नहीं, भगवान के उपनिषद बताते असमर्थम, न भगवान के समान कोई है न भगवान से बढ़कर कोई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जिसे हमें समझना चाहिए कि जीव और भगवान का क्या संबंध है। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता और भगवान सदैव भगवान रहते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्जुन ने एक क्वालिटी और क्या थी, मैत्री के अलावा वो विनम्र था,
विनम्र व्यक्ति एज इट इज नॉलेज को स्वीकार कर वो पूरी श्रद्धा रहती है कि ये जो ज्ञान इस भगवद गीता में दिया जा रहा है, ये भगवान ने जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान बिल्कुल सही है, लेकिन कंटेमिनेटेड स्टेट में है, कलमश अवस्था में है, बद अवस्था में है, इसलिए मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, तो एज इट इज नॉलेज ले लेता है। जैसे जब आप स्कूल में जाते थे, आपकी टीचर पढ़ाती थी ए बी सी डी, पढ़ाया आपने ना? जी माता जी। जब आपको ए बी सी डी पढ़ाया जाता था तो आप क्वेश्चन पूछते थे क्या कि ये ए है, आप हमें प्रूफ कीजिए तब हम मानेंगे? आपके टीचर ने जो बताया हम वही पढ़ा। तो हम स्पिरिचुअल के बारे में ऐसा क्यों नहीं, क्या हमारे आचार्य अगर कोई बात बताए तो सही है, श्रद्धा क्यों नहीं होनी चाहिए? तो जैसे लोगों की मटेरियल चीजों में श्रद्धा होती है, उसी तरह से भक्तों की स्पिरिचुअल चीजों में श्रद्धा होती है। उनके जो आचार्य हैं, उनके जो गुरु परंपरा है, प्रमाणिक गुरु परंपरा जो बताते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर वो भी कंक्लूजन एक दिन पहुंचते हैं कि यस भगवान जो है वो कृष्ण है और किस तरह हमारा भगवान का संबंध है। सिंपल यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भगवद गीता का प्रयोजन, व्हाट इज द एम ऑफ भगवद गीता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कुछ चीज हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उसका एम क्या है? तो एम ये है कि भौतिक अज्ञानता से लोगों को उबारना है ना, इग्नोरेंस से लोगों को मुक्त करना। क्योंकि हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, हमें दुख क्यों है, वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हम दुखी हो रहे हैं, हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति का अलग अलग दुख है, नहीं, हर व्यक्ति के दुख का एक ही कारण है, वो है अज्ञानता। तो भगवद गीता ज्ञान देता है, भगवद गीता क्या देता है, ज्ञान देता है कि हम सही और शाश्वत सुख प्राप्त कर सके, जिसकी हम सबको तलाश है। तो दिस इज द एम ऑफ भगवद गीता कि भौतिक संसार में लोगों को अज्ञानता से उबारना, ठीक है, दिस इज द एम ऑफ भगवद गीता। फिर इसके बाद बताते हैं कि जो लोग कष्ट भोग रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो अथतो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। जने लोगों को कष्ट होता है तो उसको सहते रहते हैं या कुछ तो हल्का फुल्का सोल्यूशन पैचअप सोल्यूशन करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, मतलब मुझे ऐसा, हमने कुछ किया नहीं, कोई एक्शन नहीं, रिएक्शन, मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, इस तरह के जब आदमी प्रश्न पूछता है तब वो भगवद गीता का सुनने का सही पात्र बन जाता। जनरल लोग क्या है, मनुष्य जीवन का प्रयोजन भूल जाते हैं, है ना, तो इस प्रयोजन को पुनः स्थापित करने के लिए, जो सुप्त अवस्था में ज्ञान है इसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवद गीता का ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान ने दिया है। तो सभी और विद्या रूपी बाघनों के द्वारा निगले गए, लेकिन भगवान जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए अब भगवद गीता का प्रवचन अर्जुन के माध्यम से समाज में वापस दिया है, वापस धर्म की स्थापना की भगवान ने। तो जो कोई भी इस ज्ञान को प्रमाणिक आचार्य के माध्यम से विनम्रता पूर्वक इसको ग्रहण करता है, श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है, उसका जीवन भी सफल होता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवद गीता में नेक्स्ट बात बताई जा रही है कि भगवद गीता में सब्जेक्ट क्या है। अभी आपने पढ़ा व्हाट इज द एम ऑफ भगवद गीता, नाउ बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑफ भगवद गीता। कोई बुक पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट होता है कि किस किस विषय पर बात की जाएगी। तो भगवद गीता में पांच विषय बताए जाते हैं, बताते हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। आई रिपीट, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। भगवद गीता बताया जाएगा कि ईश्वर कौन है ना, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उनका अडोप क्या है, सारा बातें बताई। जीव कौन है, उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, ये प्रकृति, ये जो नेचर है हमारे पास, ये क्या है, इसका हमारे साथ क्या रिलेशन है, भगवान के साथ क्या रिलेशन है। काल क्या है, व्हाट इज टाइम, इसका हमारे साथ भगवान के साथ क्या रिलेशन, ये कैसे वर्क करता है। प्रकृति, काल एंड कर्म, ये जो एक्शन है
ये जो कर्माज है, क्या इसका कुछ फल होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, हा? या कर्म का मेरे से या भगवान से या प्रकृति से क्या दोष है? तो इन सब की विस्तृत जानकारी वैज्ञानिक ढंग से श्री प्रभुपाद के माध्यम से हमें भगवद गीता के थ्रू मिलती है, ठीक है? तो दीज आर फाइव सब्जेक्ट। व्हाट इज द फाइव सब्जेक्ट? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस आस्था। तो इफ यू वॉन्ट अ फुल एंड हाई नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, देन इससे बहुत से लोग ज्ञान देते हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग भी ज्ञान देते हैं, दार्शनिक लोग भी ज्ञान देते हैं, बहुत से लोग अपना अपना मत प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन सब में से जो साइंटिफिकली और बेस्ट जो नॉलेज है वो प्रोवाइड किया गया है भगवद गीता में भगवान के द्वारा। क्योंकि भगवान जो है उन्होंने सारी क्रिएशन की, तो वो चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, भगवान में किसी प्रकार का दोष नहीं होता। मनुष्य में दोष होता है, लिमिटेशन होती है, इसीलिए वो पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता, इसलिए वो पूर्ण नॉलेज प्रदान कर सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि पांच तत्वों में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दो दो चीजों को। सबसे पहले भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज ईश्वर, तो ईश्वर कौन है, कृष्ण है ना, और जीव कौन है, जीव भगवान का अंश, अंश का अंश, ममे वंश जीव लोग जीव भूत सनातन मनाषाणी इंद्रिय प्रकृति स्थानी कर्श। तो जीव हम सोचते क्या है कि ये जो हम भगवान के अंश है, और प्रकृति क्या है, ये जो नेचर है, ये जो इतने सिस्टमेटिकली काम कर रहा है, ये अपने आप नहीं काम कर रहा है, इसके पीछे कोई शक्ति है जो ये काम कर रही है। जैसे इतनी सोचने समझने की इतनी अच्छी तरीके से आप देखिए, गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद वर्षा ऋतु, और कितने एकदम सिस्टम से सब चीजें चलेंगी, है ना, तो इतना सिस्टमेटिक अपने आप तो नहीं चलेगा, तो बेवकूफी है कहना, है ना। तो जैसे कि श्री कृपाना का एग्जाम्पल देते हैं कि कोई अगर अबोध बालक होगा या ना समझ बच्चा होगा, तो उसको अगर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक यानी रिमोट से करने वाली कोई कार हो अगर दे दी जाए, तो रिमोट तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो कार चलती हुई दिखाई दे रही, तो क्या तो सही अपने आप चल रही है ना। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको पता होता है कि रिमोट से चल रहा है और कोई व्यक्ति इसको ऑपरेट कर रहा है। उसी तरह से अज्ञानी लोग बोलते हैं कि जो प्रकृति है ये अपने आप कार्य कर रही है, नहीं, प्रकृति अपने आप कार्य नहीं करती, ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, माया अदृश्येण प्रकृति सुयस्थेत चराचर। तो भगवान जब इसको क्रिएट करते हैं, इसका पालन करते हैं, और संहार भी भगवान करते हैं, तो ये मूर्खता होगी कि इसको समझना। तो प्रकृति है क्या, प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे एक पत्नी जो होती है भारतीय संस्कृति में पति के अंदर में रहकर कार्य करती है, उसी तरह से प्रकृति होती है। तो प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके अनुसार जीव जो है वो कार्य करता है, जो जिस गुण में प्रधान रहता है उसके अनुसार उसको कर्म बंधन मिलते हैं। तो भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि जीव और भगवान में क्या रिलेशन है, ये भगवद गीता के 13 चैप्टर में बहुत अच्छे से भगवान ने एक्सप्लेन किया, और ये भी बताया है कि जीव का भगवान के साथ संबंध अचिंत भेदाभेद तत्व है। व्हाट इज दैट अचिंत भेदाभेद तत्व? कि जीव भगवान के समान है लेकिन नहीं है। तो समान कैसे है, गुण में समान। माता जी क्वालिटीज तो सेम है पर क्वांटिटी गुण है। यस, क्वालिटी हम भी सच्चिदानंद के अंश है, तो भगवान भी भगवान के अंश में क्या, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन क्वांटिटी में देर डिफरेंट। जैसे कि समुद्र में एक बूंद पानी निकल, है ना, तो उसमें जो केमिकल्स होंगे, जो सॉल्ट होगा और चीजें होंगी, वही पूरे समुद्र में भी है, क्वालिटी वाइज, है ना। लेकिन समुद्र में जितनी मात्रा में पानी है, क्या वो उस बूंद में है? नहीं माता जी, नहीं। तो दिस इज सेम टाइम वननेस इन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड अचिंत भेद अभेद सिद्धांत। अचिंत मीन्स इनकंसीवेबल,
through these senses we cannot understand it. By pramanic knowledge, by pramanic guru, we have to faith and accept it. Then we can learn it. Because these senses cannot समझी भी नहीं आएगा ऐसे कैसे भगवान की चीजें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चीजें को समझ पड़ेगा, श्रद्धा करो, विनम्रता के साथ ज्ञान को लेना पड़ेगा। तो जीव और भगवान में यही अंतर है। इसके बाद बताया गया है कि जीव जो है, कितना हो रहा है, 11:35 हो गया, ओके। सो मैं इसको बस कंप्लीट कर लें। तो जीव जो है वो हाँ, जीव जो है बद्ध अवस्था में जब रहता है तभी वो अपने आप को भगवान से अलग मानता है और इस दुनिया में आके है ना। तो जीव को क्या करना चाहिए, इस दुनिया में आकर उसको ये संबंध ज्ञान को एस्टैब्लिश रीएस्टैब्लिश करना चाहिए। वो भूल जाता है, उसके सबके पास ज्ञान है ना, लेकिन वो सुप्त अवस्था में हो जाती है, इसीलिए वो मैं और मेरा के उसमें कॉन्सेप्ट में आ जाता है। ऐसे भगवत गीता का ज्ञान लेने पर उसको सही नॉलेज मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवत गीता में जीव जो है वो भगवान का ही अंश है, लेकिन वो अपनी फॉल डाउन हो जाता है भौतिक प्रकृति पर भोग करने की इच्छा के कारण। जब वो आता है तो वो भगवान के साथ अपने रिलेशन को भूल जाता है, उसके कारण वो नाना प्रकार के दुख देता है। तो और कौन कौन सी प्रॉब्लम है